गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें दिया है आंकड़ों का प्रबंधन। जो आंकड़े कहीं से भी इकट्ठे करते हैं, जैसे किसी कक्षा के विद्यार्थियों का वजन कितना है, किसी कक्षा के विद्यार्थी जो है उनकी ऊंचाई जो है किसी की समान भी होती है, किसी की असमान भी होती है। यानी कि दो स्टूडेंट की एक जैसी हो सकती है, तीन की एक जैसी, चार की एक जैसी, तो उन आंकड़ों को एक साथ किस तरीके से संगठित किया जाए या लिखा जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है आंकड़ों का परिसर। परिसर क्या होता है? आंकड़े जो दिए हुए होते हैं उसमें कोई अंक सबसे बड़ा होता है, कोई अंक सबसे छोटा होता है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा अंक 9 है और सबसे छोटा अंक 1 है। तो इन दोनों का परिसर अगर निकालते हैं तो दोनों अंकों का जो अंतर है वो इसका क्या कहलाएगा? परिसर। तो परिसर की डेफिनेशन है, परिभाषा में अपन लिखते हैं सबसे बड़े में सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को आंकड़ों का क्या कहते हैं? परिसर। आगे दूसरा दिया है माध्य, जिसे समांतर माध्य भी या गणितीय माध्य भी कहा जाता है। माध्य का मतलब ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इन सबको जोड़ते हैं तो सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। योग का मतलब जैसे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 प्रेक्षण कितने हैं उनकी संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरीके से उसमें अपन भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर आया 330 और प्रेक्षणों की संख्या अगर 10 है तो इसका माध्य जो आया अपने पास में वो कितना आया? 33। तो ये इन प्रेक्षणों का क्या कहलाएगा? माध्य। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन वाक्य रखा है कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें आंकड़े दिए हुए नहीं है, यानी विद्यार्थियों की ऊंचाई नहीं दी गई है। तो ये अपन अपनी मर्जी से कुछ भी ऊंचाई मान करके और उसका क्या निकालेंगे? परिसर। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कक्षा के मूल्यांकन में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दे रखा है कक्षा के मूल्यांकन में सारणीबद्ध रूप से इसको क्या करना है? संगठित। तो सारणी अपन इस तरीके से बनाते हैं जिसे 12 मार्क का सारणी कहते हैं। इस सारणी में पहला है अंक, अंक यानी कि जो दिया हुआ है 4 से लेकर, यानी यहां से दिया 1 से लेकर 9 तक अंक दिए गए हैं इसमें। तो ये तो कहलाएगा अंक। मिलान चिन्ह होगा ये अंक कितनी बार इस सारणी में दोहराए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में है 12 मार्क का मिलान चिन्ह। पहले भी पढ़ा है किस तरीके से लगाते हैं मिलान चिन्ह। 1 के लिए 1 इस तरीके से, 2, 3, 4, 5 के लिए इस तरीके से, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी बार दोहराया जाएगा ये मिलान चिन्ह कहलाएगा। 12 बार का जैसे यहाँ पर अपने लिखा 5, ये 5 है तो इसको अंक में यहाँ पर इस 12 मार्क में लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 इस सारणी में या आंकड़ों में कितनी बार दर्शाया गया है? 1 बार, तो 1 आएगा। आगे 2 देखिए कितनी बार है? 1, 2 बार आया। तो इस 12 मार्क में मिलान चिन्ह इसका 2 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। आगे 3 देखिए 1 के बाद में 3 एक ही बार आया इसमें, 1 भी बार आया है तो इसको 1 की बार लिखेंगे। 4 देखिए 1, 2, 3 तीन बार 4 हो रहा है, 1, 2 और 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। आगे 5 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा 5 हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया? 5। आगे 6 1, 2 और 3 बार 6 दोहराया गया है, 1, 2 और कितना हो गया? 3। आगे 7 देखते हैं 1, 2 बार 7 दोहराया गया है, 1 और 1, 2। 8 देख लीजिए 8 सिंगल बार आया 1 बार, और आगे आते हैं 9 बार। नौ एक ही बार दोहराया गया है, 10 का अंक इसमें नहीं है। ये तो इसको सारणीबद्ध रूप में हमने संग्रहित किया। अब इसका क्वेश्चन बन गया है अपने को कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? यहां पर आपको दिख रहा है सबसे बड़ा अंक कितना है? 9।
आगे दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा अणु कौन सा है। तो सबसे छोटा अणु यहां पर लिखता हुआ एक। आगे थर्ड क्वेश्चन दिया इसमें, इसमें दिया है आपको इन आंकड़ों का परिसर क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर कितना है 8। आगे क्वेश्चन 4 दिया है इसी का, अंक गणितीय माध्य का कीजिए, अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य यहां पे लिखते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आगे इसको यहां पर ऊपर देखिए, इसमें देखिए जो भी दिया है इन सभी को जोड़ लेते हैं, यहां पर आएगा 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। टोटल ये कितने हैं देख लेते हैं इसको, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये कितना हुआ 20। ठीक है 20। अब इनको जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 और 7 17 5 22 और 3 6 और 4 10 और 7 17 5 22 और 3 25 और 5 30 और 4 24 और 5 39 41 और 6 47 और 2 49 और 5 54 और 1 55 और 9 64 और 6 70 और 5 75 और 8 83 और 4 87 और 6 93 और 7 100। ठीक है तो इन आंकड़ों का मान है अपने पास में 20 बटे 100 5। आगे क्वेश्चन इसी का थर्ड दिया है, इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या है पढ़ी हुई है मैंने पूर्ण, देखिए प्राकृत और पूर्ण में डिफरेंस क्या है। प्राकृत संख्या जब वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है वो प्राकृत संख्या है, और प्राकृत में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या है बन जाती है। तो इसमें क्वेश्चन थर्ड है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां प्रथम 5 पूर्ण संख्या इसमें आएगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आगे उसका निकालते हैं माध्य, तो माध्य निकालने के लिए लिखते हैं माध्य बराबर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग
बटे प्रेशरों की संख्या। इसमें जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस कितना है फोर, बटे कितना बनेगा पांच, क्योंकि संख्या पांच है, एक दो तीन चार पांच, चार एक और दो तीन, तीन और तीन छह, और चार कितना होता है दस, बटे पांच, तो आंसर गया दो। तीन आंकड़ों बहन की प्रथम पांच पूर्ण संख्या का मान गया दो। आगे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने आठ पालियों में, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने आठ पालियों में निम्नलिखित रन बनाए, रन बनाए अपने पास में अट्ठावन, छिहत्तर, चालीस, पैंतीस, छियालीस, पचास, जीरो और क्या है सौ। पूछा गया है उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए, तो माध्य निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग, बटे प्रेक्षणों की संख्या, हो जाएगा अट्ठावन प्लस छिहत्तर प्लस चालीस प्लस पैंतीस प्लस छियालीस प्लस पचास, जीरो प्लस कितना है सौ, और बटे में एक दो तीन चार पांच छह सात और एक कितना हो रहा है आठ, सभी को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर अट्ठावन छिहत्तर चालीस पैंतीस छियालीस पचास जीरो और एक कितना है सौ, आठ और छह चौदह, तो पांच उन्नीस और छह अट्ठावन छिहत्तर चालीस पैंतीस छियालीस पचास जीरो और सौ, छह पांच ग्यारह और छह सत्रह और आठ, या आठ छह चौदह पांच उन्नीस और छह पच्चीस का पांचवा सभी कितने दो, अट्ठावन छिहत्तर चालीस पैंतीस छियालीस पचास जीरो छह। आगे पांच और छह सात, सात और सात चौदह, और चार अट्ठारह, तीन इक्कीस, और चार पच्चीस, पांच तीस, हासिल की तीन, तीन और एक कितना हो गया चार, चालीस बटे आठ, यहाँ पर हो जाएगा आठ पहले चालीस, बाद में लिया जीरो, आठ सीखे अड़तालीस, चार सौ पांच में पुनः भाग देते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ का भाग देते हैं आठ पहले चालीस, ऊपर से पाँच पता भाग हो गया जीरो, दस पुनः लगा के आठ सीखी अड़तालीस, और दो हजार आठ दिन सोलह, और चार बचे जीरो आठ मिले चालीस। तो यहाँ पर देखिए पचास दशमलव, पचास दशमलव छः दो और कितना है पाँच। अब देखिए इसकी काउंटिंग जो हम करते हैं, अगर इसको पूर्ण संख्या के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, बदलना चाहें, तो इसका ये है कि इसके पॉइंट के बाद में अंक जो है वो पाँच से अधिक आ रहा है, तो अगला अंक अपन इसमें इक्यावन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पांच से कम आता तो इसको कन्वर्ट हम इसमें कर देते फिफ्टी, ठीक है।